बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डी स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाई एआर। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज फिजिक्स 12 पास्ट पेपर 2013 के बहुत ही मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला एमसीक्यूज आ रहा है ये है, इसकी स्टेटमेंट है, दी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाई, दी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाई, जो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो पहला हमारे पास रिलेशन है 1/2 QV, दूसरा 1/2 C² V² तीसरा 1/2 VC² और चौथा D 1/2 QV². तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो वर्क का फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला W जो है ये आमतौर पर लिया जाता है, W बराबर होता है QV के। ये हमारा आम जनरल रिलेशन होता है एनर्जी का। लेकिन कैपेसिटर की सूरत में कैपेसिटर जब चार्जिंग स्टार्ट लेता है तो उसका पोटेंशियल जीरो होता है और फाइनल V होता है, लिहाजा इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो 0+V/2 यानी V/2 बन जाती है। इसलिए मौजूदा केस में जो हमारे पास एनर्जी का फार्मूला होगा Q×V/2। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन देखें, हमारी ए वाली आ रही है। नेक्स्ट है दी नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, आप जानते हैं कि अगर हम लें -ΔV/ΔR, -ΔV/ΔR जो है इसको नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वोल्टेज, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए, लेंथ कैपिटल एल एंड रेजिस्टर आर इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट इज। ये हमारा तीसरा यानी एमसीक्यू जा रहा है कि एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ एल और रेजिस्टेंस आर है, अगर इसको दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो रेजिस्टिविटी भी क्या अफेक्ट होता है। फार्मूले के मुताबिक आप जानते हैं आर बराबर है हमारे पास रो एल ओवर ए। तो इस फार्मूले में आप जानते हैं कि ये जो रो है हमारे पास ये कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो इट मीन कि अगर हम वायर को बराबर हिस्सों में काट देंगे लेकिन मटीरियल चेंज ना करेंगे और टेम्परेचर भी चेंज नहीं करेंगे तो रेजिस्टिविटी जो है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। तो पहला इसका जवाब दिया डबल, दूसरा हाफ्ड है, तीसरा रिमेन्स कांस्टेंट और चौथा 1/4 है। तो ये चूंकि कांस्टेंट है लिहाजा ये रिमेन्स कांस्टेंट इसका आंसर होगा। जूल्स लॉ, चौथा नंबर एमसीक्यू हम पढ़ रहे हैं। जूल्स लॉ फॉर हीट डिसिपेशन इन रजिस्टर कैपिटल आर कैरिंग करंट आई इज गिवन बाई। आप जानते हैं कि जूल्स लॉ का जो फार्मूला होता है एच बराबर होता है I²RT, यानी जो हीट किसी कंडक्टर के अंदर पैदा होती है वो करंट के स्केयर आर और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होती है, एच बराबर है I²RT। तो इसमें देखें पहला हमारा आ रहा है W=I²RT, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू आ रहा है नंबर 5, दी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ RLC सीरीज सर्किट इज गिवन बाई। RLC सीरीज सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है। पहली ऑप्शन है F0/1/2 πLC, तो ये नहीं सही बन सकती, F=1/2 π(1/LC²√), ये भी नहीं है, F=1/2 π(LC²√), तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन है। और आखिरी F=1/2 π(RC²√), ये भी नहीं है क्योंकि उसने RLC सीरीज सर्किट का पूछा है तो इसमें L और C दोनों आने हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी होगा, 1/2 π(LC²√). छेवा MCQ आ रहा था, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, आप जानते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बराबर लिया जाता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो फ्लक्स जो है ये B·A होता है, तो अगर हम इसमें से A को डिवाइड करें तो B आ जाएगा हमारे पास। और F का जो जनरल फार्मूला है वो भी हमारे पास है, F बराबर है I LB के, यानी जो फोर्स किसी कंडक्टर पे लगती है उसका ये जनरल फार्मूला है। इसका साइन थीटा भी आता है लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। तो अगर यहाँ से B का यूनिट निकाला जाए तो यहाँ से B देखें बराबर आएगा हमारे पास
बी इक्वल हो जाएगा एफ ओवर एफ डिवाइड बाई आई एल के। तो अगर यहाँ से आप इसके यूनिट देखें तो हमें पता चल जाए क्या यूनिट बनते हैं। यहाँ से फाई जो होता है इसका यूनिट होता है वेबर, यानी जो फ्लक्स है इसका यूनिट वेबर है, और देखें नीचे एरिया से डिवाइड हो रहा है, तो यानी हमारे पास पहला बी का यूनिट बनेगा वेबर पर मीटर स्क्वेयर। और अगर इस इक्वेशन से आप बी का यूनिट निकालें तो ये बनता है न्यूटन, ऊपर फोर्स आ रही है, और डिवाइड बाई होगा पर एम्पीयर और पर मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो यूनिट तो यहाँ से हमें मिल गए। और आपको डेफिनेशन के मुताबिक पता होना चाहिए कि न्यूटन पर एम्पीयर पर मीटर जो होता है ये टेस्ला के बराबर लिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कौन सा यूनिट, पहला वेबर पर मीटर स्क्वेयर है तो ये भी इसका करेक्ट ऑप्शन बनना, दूसरा टेस्ला ये भी करेक्ट ऑप्शन है, और तीसरा न्यूटन पर एम्पीयर पर मीटर ये भी करेक्ट आंसर है। तो लिहाजा इसका जवाब हो गया ऑल ऑफ दीज, तो करेक्ट आंसर बन गया, यानी फ्लक्स डेंसिटी के तीनों यूनिट हैं ऑल ऑफ दीज। वन पास्कल पी ए इज इक्वल टू, पहला आ रहा है इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, दूसरा न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, तीसरा न्यूटन मीटर, और चौथा पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो आप जानते हैं प्रेशर किसके बराबर होता है। प्रेशर जो है इसको हम डिफाइन करते हैं, प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी ये प्रेशर की डेफिनेशन है, फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है प्रेशर। तो यहाँ से अगर आप इसका यूनिट देखें तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वेयर है, तो ये पार आ गया, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। लिहाजा यहाँ जो भी ऑप्शन दिए गए उनमें करेक्ट ऑप्शन हमारी होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। तो सेवन का जो पहला ऑप्शन है यही करेक्ट होगा, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू आ रहा है द रेस्ट मास ऑफ फोटॉन, फोटॉन का रेस्ट मास क्या होगा। तो आप जानते हैं फोटॉन जो है मूविंग पार्टिकल है, तो जब तक ये मूव करेगा तो इसमें एनर्जी होगी, तो रेस्ट में ये रहता ही नहीं, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो जीरो वाला कंसीडर किया जाएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की वेलोसिटी क्या है। तो ये नीचे उसने ऑप्शन दिए हैं सी बराबर वन ओवर एप्सिलॉन जीरो म्यू नॉट, बी है सी बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन जीरो, और सी है सी बराबर वन ओवर एप्सिलॉन जीरो, और डी है सी बराबर म्यू नॉट ओवर एप्सिलॉन जीरो। आप जानते हैं यहाँ पर जो एप्सिलॉन जीरो है और जो म्यू नॉट है ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो सी नॉट जो है इसको हम कहते हैं परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और जो म्यू नॉट है ये परमीएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस कहलाती है। तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो स्केयर रूट करने के बाद वन ओवर करें तो वो वेलोसिटी का यूनिट बनता है, लिहाजा जो हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा वो सी वेलोसिटी ऑफ लाइट का वो ए वाला होगा। नेक्स्ट आ रहा है जी आई आर एम एस, ये यहाँ पर वन नज़र आ रहा है आपको, ये असल में आई आर एम एस है, आई आर एम एस, आई आर एम एस इज इक्वल टू, आई आर एम एस किसके इक्वल होता है। तो आई आर एम एस का वैसे जनरल फार्मूला बनता है आई आर एम एस जो इसको हम लिया जाता है, तो ये हम लिखते हैं इस तरह आई आर एम एस जो है ये इक्वल होता है आई ज़ीरो ओवर टू स्केयर रूट के। आई आर एम एस इक्वल है आई नॉट, आई नॉट से मराद पीक वैल्यू है, और डिवाइडेड बाई टू स्केयर रूट है। तो टू स्केयर रूट का अगर वन ओवर टू स्केयर रूट करें तो 0.70 बनता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 0.70 आई नॉट, तो आई नॉट इसकी पहचान भी कर सकते हैं आप, 0.70 आई, 0.70 वी, और 0.70 आई नॉट स्केयर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ए वाला होगा, 0.70 आई नॉट के बराबर होगा। द डिवाइस दैट स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 11 नंबर हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, द डिवाइस दैट स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा डिवाइस जो मैग्नेटिक फील्ड की सूरत में एनर्जी को स्टोर करता है कहलाता है। नंबर वन कैपेसिटर, आप जानते हैं कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है। नंबर टू इंडक्टर, नंबर तीन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर तो वैसे ही ऐसा डिवाइस है जो EMF को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, ऑल ऑफ ट्राइस तीनों ही, तो ये नहीं मुमकिन, तो इसका जवाब इंडक्टर वाला ही सिर्फ पॉसिबल है। यानी इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसको आप सोलेनॉइड भी कहते हैं या कॉइल कहते हैं, जो कि एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। 12 नंबर ऑप्शन है द शंटड गैल्वेनोमीटर इज कॉल्ड, शंट का मतलब होता है बाईपास करना, यानी बहुत ही कम वैल्यू के रेजिस्टेंस किसी चीज़ के पैरेलल जोड़ने को शंटड कहते हैं। तो पहला आ रहा है मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर तो बन ही सकता क्योंकि इसमें कई मीटर होते हैं, एम मीटर, तो ये करेक्ट ऑप्शन बनता है।
तीसरा एवोमीटर है ये भी नहीं है, और चौथा वोल्टमीटर ये भी नहीं। तो जब किसी गलवानोमीटर के साथ जो है पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दी जाती है तो वो बन जाता है एम मीटर। ए डायोड कंसिस्ट ऑफ, डायोड जो है ये मुश्तमल होता है नंबर वन वन जंक्शन, गलत है, नंबर टू टू जंक्शन, तो ये इसकी करेक्ट ऑप्शन बनती है। थ्री जंक्शन ये भी नहीं, आप जानते थ्री जंक्शन में ट्रांजिस्टर होता है, नॉन ऑफ दीज भी बनेगा, तो लिहाजा टू जंक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चौदह नंबर एम सी क्यू आ रहा है, वैन चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म शेप मैग्नेटिक फील्ड, कहता है जब परपेंडिकुलर चार्ज पार्टिकल को इंसिडेंट किया जाए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहता, तो उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी। तो आप जानते हैं कि जब आप ये आप फर्ज कर लें कि ये आपके पास पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है, आप जानते हैं क्रॉस के निशान जो हैं ये इन टू द पेज को इंडिकेट करते हैं, तो जब हम इसके अंदर कोई भी पार्टिकल जो चार्ज पार्टिकल है उसको परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेंगे, ये फॉर एग्जांपल आपका चार्ज पार्टिकल आ रहा है विद वेलोसिटी वी और मैग्नेटिक फील्ड जो है इन टू द पेज है, तो इस पर फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर लगेगी, यानी फोर्स जो जब ये इसमें आएगा यहाँ पर, तो इसमें लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो डाउनवर्ड होगी मौजूदा केस में, लिहाजा ये डिफ्लेक्ट होगा। तो जब भी फोर्स जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगी तो इसका जो पाथ है वो इस शेप का हो जाएगा, यानी इट विल फॉलो अ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर देखें सर्कल, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन ऑफ एनी शेप, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सिर्फ सर्कल टाइप वाला। डी ब्रॉगली सजेस्टेड दैट इनर्जी मटीरियल पार्टिकल हैज वेवलेंथ एसोसिएट, डी ब्रॉगली का जो फार्मूला है उसके मुताबिक एच ओवर लैम्डा बराबर होता है एच ओवर एम वी, तो यहाँ देखें पहली ऑप्शन लैम्डा एच एम वी ये गलत है, बी है लैम्डा बराबर एच ओवर एम वी तो ये करेक्ट है, लैम्डा एम ओवर वी एच ये उसके उल्ट हो गया, लैम्डा वी ओवर एच एम ये भी नहीं बनता, तो लिहाजा करेक्ट आंसर जो है लैम्डा बराबर एच ओवर एम वी होगा। एन अल्फा पार्टिकल हैज अ चार्ज, अल्फा पार्टिकल पे कौन सा चार्ज होता है, तो आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल जो हैं ये असल में हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, और हीलियम का जो न्यूक्लियस है उसका एटॉमिक नंबर दो होता है, हीलियम के न्यूक्लियाई हैं इसका एटॉमिक नंबर दो है और मास नंबर चार है, तो यहाँ से क्लियर आपको पता चल रहा है कि हीलियम के अल्फा पार्ट हीलियम जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उनका चार्ज दो बन रहा है, जो एटॉमिक नंबर वही उसका चार्ज नंबर है, तो यहाँ देखें ये आपके पास करेक्ट आंसर आ रहा है प्लस टू ई के बराबर। वीन द फार्मूला इज, वीन का फार्मूला कौन सा, 17 नंबर एम सी क्यूज, तो वीन का फार्मूला जो है वो ये बताता है कि जो यानी मैक्सिमम लैम्डा एम से मराद है वो वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, कि लैम्डा मैक्सिमम इंटेंसिटी वाली जो लैम्डा एम से मराद है वेवलेंथ विद मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी वन ओवर टी के बराबर आती है, वन ओवर टी यानी जो हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम से मराद है ऐसी वेवलेंथ जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है वन ओवर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब हम इसको कांस्टेंट की शक्ल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा एम मल्टीप्लाई टी, जो कि कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा, लैम्डा एम और मल्टीप्लाई टी होगा ये कांस्टेंट के बराबर आएगा, तो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो यही वाला बन रहा है कि लैम्डा एम जो है इनका प्रोडक्ट विद टी जो है वो कांस्टेंट है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैथमेटिकल फार्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल फार्म क्या है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है इसकी दो स्टेटमेंट हैं, पहली ये है कि द प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच, और दूसरी है द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड टाइम जो है वो एच के बराबर होता है, तो इनमें देखते हैं पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है, ई बराबर एम सी स्क्वायर है ये तो एनर्जी का रिलेशन है, ई बराबर एच एफ ये भी एनर्जी का है, सी बराबर है लैम्डा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इंटू ए बराबर एच है, तो ये डेल्टा एक्स पोजिशन में अनसर्टेनिटी है और डेल्टा पी मोमेंटम में है, तो ये एच के तकरीबन बराबर है, तो ये हमारा आंसर जो है करेक्ट है। डी ऑप्शन देखें बी पी बराबर एच ओवर टू पर ये भी नहीं बनता, लिहाजा सी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है।